हेलो बच्चों बच्चों, आज हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उन सारे फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट करके आप रख लीजिए, और जब न्यूमेरिकल करें तो सामने उसको सीट को रख लीजिए। तो इसमें बच्चों देखो, आज पहला क्वेश्चन है, अ कैंडल इज प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ कैंडल। तो लोकेशन कैंडल की निकालनी है। इसमें आपको दिया हुआ है कि कैंडल यानी ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर से 3 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यू हमेशा निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, V निकालना है, ठीक है। तो V निकालने के लिए आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी, और फोकल लेंथ दी नहीं है तो फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प ले करके। क्योंकि बच्चों ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी R/2। और ये हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है। क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो ये कितना हो जाएगा, -24/2, यानी ये हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। ये आपकी हो जाएगी फोकल लेंथ। अब आपका जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, उसमें आप रख दीजिए F1/F=1/U+1/V। बच्चों मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितनी हो जाएगी, 1/-12=2। यू कितना है, -3, तो 1/-3। और वी आपको निकालना है तो वी आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और वी की वैल्यू खुद निकाल लीजिए, डू योर सेल्फ। हिंट आपको मैं दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड गिव्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज रियल इमेज। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए यू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन कितना है, -3 हो जाएगा, 3 टाइम्स है ना। और चूंकि आपका कॉनकेव मिरर है तो इसलिए एम की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखिए, ये मैग्नीफिकेशन -3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि -V/U = -3, ठीक। तो अब आप ये बताइए V की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, -V/-10=-3, तो V = हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा P। अब आप जो है मिरर फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है। इसमें U और V की वैल्यू रख दीजिए, V आपका हो जाएगा -V, ठीक है। और ये हो जाएगा V -30 है और U -10 है, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ठीक। तो फोकल लेंथ निकल आएगी।
जब फोकल लेंथ निकल आएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेना, f इक्वल टू आर बाई टू। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो r आप निकाल लीजिएगा, r इक्वल टू टू एफ, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने मन से करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ग्लास फ्रॉम एयर एट एंगल 45 एंड डेविएटेड एट 15 डिग्री देन फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस। तो जैसे मान लो ये कोई ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री है, और ये डेविएशन है, डेविएशन ये है 15 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, ये आपका एयर है, यहाँ पे ये ग्लास है। ठीक, तो इसमें ये देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट है 45 डिग्री। ठीक है, डेविएशन है आपका 15 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपका हो जाएगा 45 माइनस 15 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हो ग्लास एयर सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ आप जानते ही होंगे, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्रिटिकल एंगल के फॉर्म में 1 अपॉन साइन सी। ठीक है, तो सी क्रिटिकल एंगल है, तो आई और आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू ये आर हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, और 1 अपॉन रूट 2 क्या होता है, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू 45 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज की डेट का, अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू अ 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब हेल्ड पैरेलल टू द टेबल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, और फिर कह रहे हैं डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो इसमें देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस जो है, रियल डेप्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम पॉइंट थ्रू अ 15 सेंटीमीटर, तो रियल डेप्थ हो जाएगी
ठीक है, यानी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, या इसको कह सकते हो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर ये दिया हुआ 1.5। ठीक, तो अब आप जानते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, उसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ कितनी है? क्यों भाई, रियल डेप्थ है 15 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ म्यू जी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी पिन की? सपोज करो वाई है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये इसको आप रख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? देयरफोर एपरेंट डेप्थ इक्वल टू 15 अपॉन 1.5 वो दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अच्छा तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ। तो ये जो है डिस्टेंस बाय विच द पिन अपीयर्स टू रेज, कितनी ऊपर उठी, देयरफोर इसको इधर देख लीजिए, देयरफोर डिस्टेंस बाय विच द पिन अपीयर्स टू बी रेज, ये इसको आप जो रियल डेप्थ है उसमें से एपरेंट डेप्थ माइनस कर दो, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जो है आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब, क्या ये 5 सेंटीमीटर जो आपका निकला है आंसर ये स्लैब के लोकेशन पे जो है डिपेंड करता है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, द आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। तो इतना आप करिए और बाकी फिर जो भी प्रॉब्लम हो उसको टिक करके रखे रहिए और हमसे पूछते रहिएगा। थैंक यू।